So good afternoon everyone, welcome to today's advanced class of maths. आज की एडवांस क्लास में फाइनली हम आपके एडवांस MT3 वर्जन 2 को फिनिश कर देंगे. उसमें लास्ट दो क्वेश्चन आपके बचे हैं, 62 एंड 63 के दो पार्ट. 62 में क्वेश्चन नंबर ए, अब इसे समझना. 62 में आपको ये दिया गया है कि इफ n इज इक्वल टू 2³ × 3 × 5² × 7, इन शॉर्ट आप यहाँ से n फाइंड कर सकते हो, या n डायरेक्टली आपको उसके फैक्टर्स के फॉर्म में दे दिया गया है. या मैं डायरेक्टली बोलूँ फैक्टर्स भी नहीं, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में आपको डायरेक्टली दे दिया गया है. नाउ फ्रॉम दिस प्राइम फैक्टर्स दे आर आस्किंग नंबर ऑफ ऑड प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ n. आवाज अच्छे से आ रही है ना? एनी बैकग्राउंड नॉइस और एनीथिंग? क्लियर सर. ग्रेट. अब नंबर ऑफ ऑड प्रॉपर डिवाइजर्स, राइट? नंबर ऑफ डिवीजर्स हमें फाइंड करना आता है, है ना? या आप उसे नंबर ऑफ डिवीजर्स बोलो, नंबर ऑफ फैक्टर्स बोलो, नंबर ऑफ डिवाइजर्स बोलो, दैट ए प्लस वन, बी प्लस वन, सी प्लस वन, ये आप सबको याद होगा. एम आई करेक्ट? इंटू डी प्लस वन, इस तरीके से हम आपके सारे डिवाइजर्स फाइंड कर देते थे. ऑड मीन्स ऐसे डिवाइजर फाइंड करने की ऑड होंगे, तो वो हम देखेंगे वो कैसे करना है. अब प्रॉपर, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर डिवाइजर? फर्स्ट यहाँ पे जो कंफ्यूजन है वो यहाँ पे है. फर्स्ट यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर डिवाइजर. ओके, नॉट वन और नंबर इटसेल्फ. ओके, श्योर? एनीथिंग एल्स? जैसे हर एक नंबर के पास, हर एक नंबर के आपको बहुत सारे डिवाइजर्स मिलेंगे, राइट? समझना. जैसे कोई भी आपके पास नंबर है, सपोज नंबर n या नंबर 6, नंबर 10, एनीथिंग, तो उसके बहुत सारे डिवाइजर्स मिलेंगे, इंक्लूडिंग 1 n एंड बहुत सारे. यस, फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 ले रहा हूँ, सो 1, 2, 5, 10, तो यहाँ पे प्रॉपर डिवाइजर्स कौन से होंगे, बाकी के डिवाइजर्स क्या होंगे, एंड प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर डिवाइजर्स में फ़र्क क्या है, या इम्प्रॉपर जैसा कुछ नाम है भी या नहीं, या सिर्फ प्रॉपर डिवाइजर्स एंड डिवाइजर्स इस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जाता है. सो अलग अलग बुक्स में ये चीज़ अलग अलग दी गई है. अब समझना, एक जगह पे ये दिया गया है कि एक्सेप्ट वन एंड एन, जितने भी आपके फैक्टर्स हैं या जितने भी आपके डिवाइजर्स हैं, वो वन एंड एन को छोड़ के जितने डिवाइजर्स आपके बच रहे हैं वो प्रॉपर है. एक्सेप्ट वन एंड एन, दिस आर कॉल्ड योर प्रॉपर डिवाइजर्स. अगर मैं सारे डिवाइजर्स को क्लासिफाई कर रहा हूँ, तो वन एंड एन को छोड़ के जो आपके डिवाइजर्स बच रहे हैं, those are called your proper divisors. ये एक बुक में. बाकी मेजोरिटी ऑफ द जगह जहां पे मैंने सर्च किया, तो वहां पे आपको सिर्फ ये दिया गया है, एक्सेप्ट नंबर इटसेल्फ, एक्सेप्ट n, जो बाकी के बच रहे हैं वो प्रॉपर डिवाइजर है. दैट मीन्स वो वन को प्रॉपर डिवाइजर मान रहे हैं. okay. अब हमें कौन सा फॉलो करना है वो क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत टाइम निकाला कि क्या माना जाए. एज फॉर एग्जांपल जितनी मैंने साइट्स और वो सब एक्सप्लोर किया, मैथ्स टैक्स एंड वो सारी आपकी बहुत बहुत अलग अलग होती है, जहाँ पे ये सारे फॉरम डिस्कशन के होते हैं, तो वहाँ पे ये दिया गया था कि अगर आपके सिक्स हैं, सिक्स के सारे डिवाइजर्स आप देखो, 1, 2, 3, 6, तो सिक्स को छोड़ के जितने डिवाइजर बचे वो आपके प्रॉपर डिवाइजर होंगे. एक जगह पर ऐसी डेफिनेशन दी गई थी कि प्रॉपर डिवाइजर के लिए ये होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन वन, इट शुड बी लेस देन, जो आपका नंबर दिया गया है वो. फिर पॉजिटिव प्रॉपर डिवाइजर, इस तरीके से सारी अलग अलग डेफिनेशन थी. तो और अगर इस क्वेश्चन के आंसर पे फोकस किया जाए, तो जो आपको आंसर दिया गया है वो अगर आप ये डेफिनेशन फॉलो कर रहे हो तब आ रहा है, एक्सेप्ट वन एंड एन, अदरवाइज नहीं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? You can tell me yes if you agree. अच्छा, मैं सोच रहा हूँ ऐसा दिख रहा है. ओके, तो ये चीज़ें अब देखते हैं. पहले एक क्वेश्चन को समझते हैं, फिर हमें क्या फॉलो करना है उसके ऊपर हम कुछ डिस्कशन करेंगे. अच्छा, सो नंबर ऑफ ऑड प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ कैपिटल एन इज, कैपिटल एन आपका नंबर है 2³ × 3 × 5² × 7. अब इसमें अगर आप प्रॉपर को पहले भूल जाओ, पहले हम सिर्फ ऑड डिवाइजर्स फाइंड करते हैं, राइट? तो ऑड डिवाइजर्स फाइंड करने के लिए अब मुझे ये बताओ, क्या उसमें 2 प्रेजेंट हो सकता है? आप जितने भी फैक्टर्स फाइंड कर रहे हो, क्या उसमें 2 पॉसिबल है?
सपोज मैं यहाँ पे 2 की पावर a, 3 की पावर b, 5 की पावर c एंड 7 की पावर d ले रहा हूँ फॉर ऑल फैक्टर्स, राइट, कि कौन कौन से फैक्टर्स या डिवाइजर्स आपके पॉसिबल होंगे उनके लिए. यस, तो अगर 2 प्रेजेंट होगा, आप मुझे ये बताओ, आपको कुछ अलजेब्रा याद रखने पड़ेंगी या याद करने पड़ेंगे जो आपको ऑलरेडी पता ही है, दिस इज योर कॉमन सेंस. मुझे ये बताओ कि कोई भी 2 ऑड को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऑड इंटू ऑड मुझे क्या देगा, राइट? ओ रिफर्स टू ऑड, ए रिफर्स टू इवन हियर, दिस इज नॉट जीरो. चलो, क्या ऑड इंटू ऑड ऑड रहता है या इवन हो जाता है? ऑड, वेरी गुड. ओके, ऑड इंटू इवन, या इसके एग्जाम्पल होंगे आपके 3 इंटू 5, राइट, 5 इंटू 3 15, 7 इंटू 3 21, कुछ भी. चलो ऑड इंटू इवन करो तो इवन, यू कैन टेल मी, यस, राइट, ऑड इंटू इवन इवन. नेक्स्ट इवन इंटू ऑड, वो सेम थिंग है क्योंकि दैट इज क्यूमुलेटिव. एंड व्हाट अबाउट इवन इंटू इवन? इवन. सो दैट मीन्स कि अगर आपको ये फैक्टर्स ऑड फाइंड करने हैं तो उसमें सारे ऑड होंगे तो चलेगा, जितने भी आपके प्राइम फैक्टर्स वो ऑड होंगे तो चलेगा, बट इवन उसमें नहीं आना चाहिए. इवन मीन्स नथिंग बट 2. 2 की जितनी भी पावर्स हैं वो सब आपकी इवन हो जाएंगी, तो 2 प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. तो फॉर दिस कंडीशन व्हाट विल बी योर वैल्यूज ऑफ ए? ए की वैल्यू सिर्फ 0 पॉसिबल है. बी की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? सिंस यहाँ पे 3 की पावर 1 है तो बी की वैल्यू में 0 भी ले सकता हूँ, 1 भी ले सकता हूँ. सी की वैल्यू में ले सकता हूँ 0, 1, 2, राइट, एंड डी की वैल्यू में ले सकता हूँ 0, 1. एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. तो यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके कितने हो जाएंगे और नंबर ऑफ डिवाइजर्स आपके कितने हो जाएंगे, और पर्टिकुलरली आई कैन से नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स ऑफ कैपिटल एन इज इक्वल टू 2 × 3 × 2, 2 × 3 × 2, विच आर 12. अब ये सिर्फ आपके नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स हुए. अब मैं इसमें से प्रॉपर फाइंड कर रहा हूँ नंबर ऑफ ऑड प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ एन. तो देर आर 2 डेफिनेशंस. एज पर 1 डेफिनेशन आई हैव टू रिमूव 1 एन एन, और एज पर अनदर डेफिनेशन आई हैव टू रिमूव ओनली एन. बट मुझे ये बताओ कि जब मैं कैपिटल एन के सिर्फ ऑड डिवाइजर्स ले रहा हूं, मुझे बताओ कैपिटल एन के सिर्फ ऑड डिवाइजर्स ले रहा हूं, क्या उसमें एन आ सकता है? एन तो पॉसिबल होगा ही नहीं. तो एज पर अदर डेफिनेशन इफ आई एम कंसिडरिंग ओनली एन, तो एन तो यहाँ पे पॉसिबल होगा ही नहीं. सो इट शुड बी 12 ओनली, क्योंकि एन उसका फैक्टर ही नहीं होगा, राइट? यस. अब यहाँ पे अगर मैं एन एंड वन कंसिडर कर रहा हूँ तो एन तो पॉसिबल है ही नहीं. मुझे वन को वन यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है? अगर सारी वैल्यू में 0 ले रहा हूँ तो एक सच केस ऐसा होगा कि जहाँ पे 1 मुझे आंसर मिलेगा, 1 एक फैक्टर हो सकता है. तो अगर मैं 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो आंसर आएगा 11. इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके. हाँ यस, अभिराम इज टेलिंग समथिंग. अभिराम, आई एम कमिंग टू योर पॉइंट. तो ये आपको आंसर दिया गया है एट बैक मीन्स या फिर आपके सॉल्यूशन में. एंड दिस इज 12. एंड जितने अदर जितने भी क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लोर किए कुछ कुछ इस टाइप के, ऑलमोस्ट सब में उन्होंने इसको माइनस किया था, राइट? तो सब ने इसको माइनस किया था, -1. जितने भी क्वेश्चन उनके सॉल्यूशन मैंने एक्सप्लोर किए, तो आई विल टेल यू दैट मेजरली आप इसे फोकस करें कि नंबर ऑफ प्रॉपर डिविजर्स मीन्स एक्सेप्ट 1 एंड n अभी के लिए. हाँ, यहाँ तक क्लियर? ये ए पार्ट क्लियर? नाउ अभिराम इज टेलिंग दैट सर यहाँ पे हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक दूसरा कंसेप्ट यूज कर सकते हैं कि 4 हाँ, और अगर सेंगेज एंड अरिहंत, सेंगेज एंड अरिहंत में क्या आपने देखा गया? सेंगेज एंड अरिहंत में आपको अलग से दिया गया है जो हमारा ये फैक्टर्स वाला टॉपिक था जो अब एडवांस टॉपिक देख रहे थे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, क्योंकि अभी तक वो वाला पार्ट मेरा देखना बाकी है वहां से. तो सेंगेज एंड अरिहंत में क्या आपको यहाँ ये अलग से दिया गया है प्रॉपर डिविजर्स के बारे में समथिंग, कि प्रॉपर में आपको 1 को भी इंक्लूड करना है, 1 एंड n दोनों को, या सिर्फ n? मैंने बाकी सब जगह एक्सप्लोर किया, वो देखना रह गया.
ओके आई विल चेक दैट एज वेल. नाउ अभिराम इज सजेस्टिंग दैट सर कि यहाँ पे हम आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं. जस्ट अ मिनट, फर्स्ट लेट मी नोट डाउन दिस. नाउ सी, अब वो क्या है कि हाँ कि सर टोटल नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स विल बी 4 factorial by 2 factorial. ये कैसे कि आपने क्या लिखा है, जस्ट अ मिनट, यूजिंग n फैक्टोरियल बाय v फैक्टोरियल q फैक्टोरियल वी हैव 3 ऑड नंबर्स इन प्राइम फैक्टराइजेशन. हाँ 3 ऑड नंबर हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए, तो ये 4 फैक्टोरियल मींस इनको आगे पीछे कहीं भी सेट कर रहे हैं लाइक दैट. कैन यू एक्सप्लेन दिस अभिराम, जो ये आपने लिखा है मुझे थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही है. 4 factorial by 2 factorial इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ ए बी सी डी, इन टर्म्स ऑफ, यस सर बट जस्ट एक्सेप्ट 2 दिस. तो एग्जैक्टली 4 factorial का मतलब क्या होता है कि हम 4 ऑब्जेक्ट्स को लीनियरली आगे पीछे कहीं भी लिख रहे हैं. Other than 2, there are 4 numbers, 3, 5, 5, and 7. Oh, got it. Yes. So, now I got your point. The 3, 5, 5, and 7, aap isse maan rahe ho, 3, 5, 5, 7. So, iske liye 4 factorial, divide by 2 factorial. Agree. So, ye aapka 4 threes are 12 ho jayega. Agree. बट क्या इसमें 1 पॉसिबल है? 1 क्योंकि जब हम ये काउंट कर रहे हैं तो ये सबकी पावर 1 केस हमारा ये भी आता है कि 0 0 0 हम काउंट कर रहे हैं. 3 के पावर 0, 5 के पावर 0, 7 के पावर 0, तो हमारे पास एक फैक्टर मिलेगा 1. क्या यहाँ पे हमें फैक्टर 1 मिल सकता है? क्योंकि यहाँ पे जो भी हमें मिलेगा उन सब में 1 3 1 5 1 5 और 1 7 तो रहेगा ही. एम आई करेक्ट? वन कोई ऐसा भी नहीं मिलेगा जहां पे सिर्फ 1 5 हो, दूसरा 5 ना हो. तो ये मेथड एंड ये मेथड में कुछ तो है, राइट? ये कोइंसिडेंटली करेक्ट आ रहा है क्योंकि ये 12 का मतलब क्या हुआ, सिर्फ 3 5 5 7 वाले कॉम्बिनेशन कि जहां पे 3 की पावर 1 आपकी फिक्स है, 5 की पावर 2 आपकी फिक्स है एंड 7 की पावर 1 आपकी फिक्स है. एम आई करेक्ट? ऐसे फैक्टर यहाँ पे नहीं है जिसमें 7 ना हो, जिसमें 5 ना हो, जिसमें 3 ना हो, राइट? तो फिर इसका आंसर जो 12 आ रहा है, वो 12 आ रहा है उसमें कुछ पॉइंट ऑफ स्पेस है. ओके, सो आई विल रिकमेंड दिस ओनली. इज दिस क्लियर एवरीवन? जाएं आगे. You can tell me yes, right? Abhiram, am I correct? हाँ. तो इसमें आप और थोड़ा सोच सकते हैं. Even I will also think. Sorry. चलो और आगे बढ़ते हैं, ये हो गया. चलो अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. Now I hope you can see this second question on screen. Number of even proper divisors not divisible by 3. जो 3 से divisible ना हो. Right. Again आपका number यही है. जितने भी आपको divisors find करने हैं, वो इसी method से आपको find करने हैं. चलो अब not divisible by 3 का मतलब क्या हो गया? वहाँ पे हमने odd लेने के लिए क्या किया था? Not divisible by 2. तो not divisible by 3 means आपका 3 यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए.
थ्री नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स आपका बी वेरिएबल कौन सी वैल्यू ले सकता है? कैन आई से योर बी कैन टेक ओनली जीरो, ए कैन टेक जीरो वन टू थ्री ऑल फोर वैल्यूज, सी कैन टेक जीरो वन टू एंड डी कैन टेक जीरो वन, एम आई करेक्ट? यहाँ पे आप वो सोच सकते हैं कि डिविजिबल बाई थ्री के लिए तो सर हम वो चेक करते थे कि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स लाइंग इन द टेबल ऑफ थ्री और नॉट, क्या वो थ्री से डिविजिबल है या नहीं, बट वो कब होता था? जब आपको एक परफेक्ट डिजिट दिया गया है, एम आई क्लियर? एज फॉर एग्जाम्पल आपको 27 दिया गया है, 573 दिया गया है, तब आप सम करके चेक करते थे। यहाँ पे आपको ऑलरेडी फैक्टर्स फॉर्म में दिया गया है, 27 इस तरीके से देना, दैट मीन्स 27 आपको ऑलरेडी 3 × 3 × 3 करके दिया गया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या कोई दूसरा नंबर कुछ भी आप मान सकते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल 162 आपको दिया गया है 81 × 2, राइट? सो 2 × 3 to the power 4। तो यहाँ पे आप सम करके चेक कर सकते हैं 6 + 2 8 + 1 9, बट यहाँ पे आप सम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बेटर है ना एक नॉर्मल मेथड से ही सोचा जाए, फैक्टर्स के फॉर्म में ही सोचा जाए। अगर फैक्टर्स में 3 है तो 3 से डिविजिबल है, फैक्टर्स में 3 नहीं है तो 3 से डिविजिबल नहीं है। एम आई करेक्ट? राइट? तो यहाँ पे बस हमें इसी तरीके से करना है। हाँ, क्योंकि डेफिनेटली पहले यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि क्या सर हमें सम वाला अप्रोच यूज कर सकते हैं, तो दिस इज द डिफरेंस, व्हाई नॉट। चलो, तो यहाँ पे आपके टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? हाँ, नहीं तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर, बट उसके फिर ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसमें सम वो नहीं आ रहा है, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड ऐसा एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, इफ यू रिमेम्बर, राइट? आपके मॉड्यूल में एक था कि जिसमें हम टोटल सम कर रहे थे, फिर वो जो कौन कौन से दो रिमूव करने हैं उसके ऊपर पूरा चेक कर रहे थे कि कौन कौन से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास हैं 4, यहाँ पे आपके पास हैं 3, यहाँ पे आपके पास है 2। सो 4 × 3 = 12, 2 = 24 और नॉट, एम आई करेक्ट? तो ये आपको अब वेट 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 नंबर ऑफ इवन प्रॉपर डिविजर्स बोले हैं ना, इवन मतलब 2 तो रहना ही चाहिए, हाँ या ना? ये मैं नहीं नोटिस किया, तो पहले मैंने सिर्फ नॉट डिविजिबल बाई 3 वाला कंसेप्ट उठाया, नॉट डिविजिबल बाई 3 वाला हो गया हमारा, अब मैं उसमें इवन वाला उठा रहा हूँ फिर प्रॉपर वाला उठाऊंगा। तो ये नॉट डिविजिबल बाई 3, अब इवन के लिए ए 1 2 3 होना चाहिए, यहाँ तक क्लियर? प्रॉपर पे एंड में आते हैं, राइट? प्रॉपर के लिए ऑलवेज आपको एंड में चेक करना है। तो इधर आपके पास है 3, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18 और नॉट, यू कैन टेल मी यस इफ यू अग्री एवरीवन। सो हियर नंबर ऑफ इवन प्रॉपर डिविजर्स आर 3 × 3 = 9, 2 = 18। अब ये सिर्फ आपके इवन डिवाइजर्स हैं, सॉरी माई मिस्टेक, इवन डिवाइजर्स आर 18। अब आते हैं प्रॉपर पे, सो नाउ नंबर ऑफ इवन प्रॉपर डिवाइजर्स चलो इवन प्रॉपर डिवाइजर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं कि आप उसमें से माइनस कर सकते हैं 1 एंड n इटसेल्फ, बट आप n के सारे फैक्टर्स ले ही नहीं रहे हो, तो n तो पॉसिबल ही नहीं होगा। क्या n पॉसिबल होगा यहाँ पे? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, राइट? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 3 तो आप उसमें ले नहीं रहे हो, 2, राइट? तो ये पॉसिबल नहीं होगा। व्हाट अबाउट 1? 1 कब आएगा? जब सारी पावर 0 हो। क्या यहाँ पे सारी पावर 0 पॉसिबल है? 3 पावर आप 0 ले सकते हो ज्यादा से ज्यादा, एक ही एटलीस्ट 1 पावर तो आएगी, तो छोटा से छोटा फैक्टर भी आपको सिर्फ 2 मिलेगा, राइट? तो 1 भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इवन प्रॉपर डिवाइजर्स आर नथिंग बट 18। सो नंबर ऑफ इवन प्रॉपर डिवाइजर्स आर 18। Is this clear? Sir, if we want to use another method from permutation and combination part A, we can do like ways of selecting no number, one number, two numbers and three numbers. Agree. Yes, yes. Good observation, Ovish. Haan. So, yes, Abhiram, see. So, jis method se aap soch rahe the, us method mein Ovish ne ek achha observation diya hai. Ki agar ise permutation combination method se hame karna hai, so what we can do?
we can have another different options that number of ways of selecting no number from 3557 कोई भी इसमें से आप एक भी number select नहीं कर रहे हो no number any one number अब वो any one number कोई भी हो सकता है any two numbers and any four numbers any four मतलब all four only all four numbers right no number any one number any two numbers all four numbers एंड यहाँ पे हम ये वाला अप्रोच नहीं यूज कर पाएंगे फोर फैक्टोरियल बाई टू फैक्टोरियल क्योंकि सारे नंबर्स यूज कर रहे हैं तो वहां पे बस आपका आएगा थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू सेवन क्योंकि वो नंबर तो आपको सेम ही मिलेगा एम आई करेक्ट क्योंकि नंबर तो आपको सेम ही मिलेगा वहां पे अरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता आप मल्टीप्लीकेशन थ्री से सेवन तक कर रहे हो सेवन से थ्री तक कर रहे हो फाइव को पहले रख रहे हो बाद में रख रहे हो सो दिस वॉज जस्ट अवर को इंसिडेंस ओके यहाँ पे सिंपल करके ट्वेल्व आना चाहिए यस थ्री ऑल्सो any three numbers also हाँ वो मैं खा गया भूख लगी इसलिए three numbers में खा गया just a minute so any three numbers as well easy everyone easy peasy lemon squeezy यहाँ तक clear जाए next तो ये आपका हो गया 18 right So this is done, one part done. Ab C. C and D में हाँ वो दोनों साथ में देख सकते हैं बट पहले C देख लेते हैं फिर D हमारे लिए आसान हो जाएगा Okay. I hope you can see this C part on the screen. C part के लिए again, ये तो अब हमें चाहिए ही चाहिए. Now, if sum of all divisors which are not divisible by 7 is m, जो 7 से divisible नहीं है, उन सब का sum अगर आपको m दिया गया है, तो they are asking something कि m divide by 124 or anything. तो पहले हम m find कर सकते हैं, right? m means we need to find sum of all divisors. अब सारे divisors का हम sum कैसे find कर सकते हैं? तो पहले यहाँ पे divisors कौन-कौन से possible होंगे वो देख लेते हैं. तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है which is not divisible by 7. 7 से divisible नहीं है मतलब 7 present नहीं होना चाहिए. 7 present नहीं होना चाहिए मतलब आपका d variable कौन सी value ले सकता है? Only 0 or not? a सारी की सारी ले पाएगा? 0, 1, 2, 3. B सारी की सारी ले पाएगा 0 1 एंड C सारी की सारी ले पाएगा 0 1 2 एम आई करेक्ट यहां तक क्लियर है पहले कि A वेरिएबल हमारा चार वैल्यू ले पाएगा B 2 C 3 और D कोई भी नहीं ले पाएगा क्योंकि 7 से वो डिविजिबल पॉसिबल नहीं है 7 से डिविजिबल हमें नहीं लेना है राइट एम आई करेक्ट यहां तक नेक्स्ट अब ये सम ऑफ डिविजर्स वाला आई थिंक शायद मुझे बीच में अभिराम ने भी भेजा था राइट अभिराम आपने मुझे भेजा था इतना मुझे याद नहीं जो आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बहुत सारी चीजें भेजी थी उसमें है ना तो अब देखो सम ऑफ डिविजर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं क्या हमने पहले देखा है क्लास में समझो अगर आपको तो पता है कि टोटल फैक्टर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं ए प्लस वन बी प्लस वन सी प्लस वन डी प्लस वन एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ पहले सपोज आपका नंबर है 6 तो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 इंटू 3 और नॉट हाँ या ना एवरीवन यू कैन टेल मी यस तो यहाँ पे 2 की पावर भी 1 है 3 की पावर भी 1 है अब एज पर द कंडीशन मुझे इसके अगर फैक्टर्स देखने तो इसके सारे फैक्टर्स क्या क्या पॉसिबल हैं इसके फैक्टर्स पॉसिबल हैं 2 इसके फैक्टर्स पॉसिबल हैं 3 इसके फैक्टर्स पॉसिबल हैं 6 इसके फैक्टर्स पॉसिबल हैं 1 एम आई करेक्ट जब आप 2 ले रहे हो तब 2 की पावर 1 लेते हो 3 की पावर 0 लेते हो 3 ले रहे हो तो 3 की पावर 2 की पावर 0 ले रहे हो 3 की पावर 1 ले रहे हो 6 के लिए 2
टू की पावर वन इंटू थ्री की पावर वन, जीरो के लिए आप ले रहे हो टू की पावर जीरो थ्री की पावर जीरो, और सॉरी वन के लिए आप ले रहे हो टू की पावर जीरो थ्री की पावर जीरो. एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. हाँ या ना? अब यहाँ पे जो आपको बोला गया है, व्हाट वी नीड टू फाइंड सम ऑफ ऑल डिविजर्स, दैट मीन्स आई नीड टू फाइंड हियर सम ऑफ ऑल डिविजर्स और ऑल डिवाइजर्स इज नथिंग बट टू प्लस थ्री प्लस सिक्स प्लस वन. एम आई करेक्ट? ये मैं क्यों आपको दे रहा हूँ एक छोटा एग्जाम्पल, ताकि हम यहाँ से एक फॉर्मूला मैं आपको दिखा सकूँ. अब यही सेम टू प्लस थ्री प्लस सिक्स प्लस वन में कैसे ला सकता हूँ, अगर मैं इन सबको ऐड कर रहा हूँ वहां से हम कुछ कर सकते हैं. टू टू द पावर वन थ्री टू द पावर जीरो प्लस टू टू द पावर जीरो थ्री टू द पावर वन प्लस टू टू द पावर वन थ्री टू द पावर वन राइट, देन प्लस टू टू द पावर जीरो थ्री टू द पावर जीरो. तो अब ये टू टू द पावर वन थ्री टू द पावर जीरो टू टू द पावर वन थ्री टू द पावर वन, अगर मैं यहाँ से टू टू द पावर वन कॉमन निकाल रहा हूँ, ये थ्री टू द पावर जीरो प्लस थ्री टू द पावर वन हो जाएगा. इन अ सेम वे यहाँ से अगर मैं टू टू द पावर जीरो कॉमन निकाल रहा हूँ, ये हो जाएगा थ्री टू द पावर जीरो प्लस थ्री टू द पावर वन. इन दोनों में से अगर मैं थ्री टू द पावर जीरो प्लस थ्री टू द पावर वन कॉमन निकाल रहा हूँ, तो मुझे टू टू द पावर जीरो प्लस टू टू द पावर वन मिलेगा. एम आई करेक्ट? सो सम ऑफ ऑल डिविजर्स ऑफ एन, सम ऑफ ऑल डिविजर्स ऑफ एन इज नथिंग बट टू टू द पावर जीरो प्लस टू टू द पावर वन, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू है जीरो से वन, बी की वैल्यू है जीरो से वन, इंटू थ्री टू द पावर जीरो प्लस थ्री टू द पावर वन. तो यहां से हम एक कॉमन कंक्लूजन निकाल सकते हैं, सम ऑफ ऑल डिविजर्स और ऑल डिवाइजर्स ऑफ कैपिटल एन इज इक्वल टू 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 द पावर ए थ्री टू द पावर बी फाइव टू द पावर सी सेवन टू द पावर डी सो ऑन, सारे प्राइम नंबर्स की अलग अलग पावर. सम ऑफ ऑल डिविजर्स ऑफ एन इज इक्वल टू, अब टू की पावर जीरो प्लस वन प्लस टू, क्योंकि जीरो से लेके कहां तक पॉसिबल हो सकती है, ए तक, इंटू थ्री की पावर जीरो से लेके कहां तक पॉसिबल हो सकती है, बी तक. उसी तरीके से सारा सीक्वेंस चलता जाएगा आगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरी वन? हाँ, वी कुड यूज जीपी सम इन ईच ब्रैकेट, बट ये हमें ध्यान देना है. तो ये क्या हमने पहले देखा है, कि मैं पहली बार दिखा रहा हूँ आपको. आप यू कैन टेल मी यस अगर हम जो भी हो फर्स्ट टाइम. ओके, सो सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ एन इज इक्वल टू दिस, टू टू द पावर जीरो प्लस टू टू द पावर वन प्लस टू स्क्वायर अप टू 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 द पावर ए थ्री टू द पावर जीरो प्लस थ्री टू द पावर वन अप टू थ्री टू द पावर बी. ओके, चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ सम ऑफ डिवाइजर्स क्या हो जाएगा, सिंस सेवन पॉसिबल नहीं है, तो टू की पावर जीरो से थ्री तक जा रही है, टू टू द पावर जीरो प्लस टू टू द पावर वन प्लस टू स्क्वायर प्लस टू क्यूब इंटू थ्री की पावर जीरो से वन तक जा रही है, थ्री टू द पावर जीरो प्लस थ्री टू द पावर वन, देन फाइव राइट फाइव टू द पावर सी, वो जीरो से टू तक जा रहा है, फाइव टू द पावर टू. चलो टू टू द पावर जीरो वन हो जाएगा, टू फोर एट वन थ्री वन फाइव ट्वेंटी फाइव फिफ्टीन फोर थर्टी वन. बस अब यहां से तो आप आगे कर सकते हो ना, इवन पूरा प्रोडक्ट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें m डिवाइड बाई 124 करना है ना. सो दिस इज m ओनली, m डिवाइड बाई 124 करो, 4 3 जा 12 4 1 जा 4 ये कैंसल 15, सो m बाई 124 इज नथिंग बट 15 राइट. इजी एवरीवन? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां से हमें एक नया कंक्लूजन मिला कि इस तरीके से हम सारे डिवाइजर्स का सम कर सकते हैं. तो ये आप फॉर्मूला बुक में लिख सकते हैं. सॉरी, मुझे लगा फॉर्म साइलेंट पे. यहां तक क्लियर एवरीवन? चलो आप इसके बाद वाला देख लें. ग्रेट.
सो दिस इज योर लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. If sum of all the divisors which are divisible by 10 is k, then k by 960. So it is same as previous question. वहाँ पे आपको बस ये बोला था कि not divisible by 7. अब आपको बोल रहे हैं it is surely divisible by 10. Surely divisible by 10 means it should be divisible by 2 and 5 both. हाया ना? मतलब एक 2 and एक 5 तो होना ही चाहिए minimum. तो एक 2 and एक 5 होने के लिए अब आपके पास a की value minimum 1 and c की value minimum 1 fix है. तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3, सी की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2, एम आई करेक्ट? तो बी की वैल्यू 0 1 पॉसिबल है, डी की वैल्यू 0 1 पॉसिबल है. ओके ग्रेट, क्योंकि मिनिमम एक ए, एक दो और एक पांच तो होना ही चाहिए. मिनिमम 1 2 एंड 1 5 शुड बी देयर. ओके, सो इफ सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 10 इज के, देन के बाय 960. यहां से अब हमें के फाइंड करना है, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स. तो अब बस बस अब तो कर सकते हो ना, k इज नथिंग बट हियर 2 टू द पावर 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब इनटू 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1 प्लस 5 टू द पावर 2, देन 7 टू द पावर 0 प्लस 7 टू द पावर 1 हो जाएगा, राइट? तो ये मैं छोड़ सकता हूँ आपके ऊपर. अब आपका लास्ट डाउट, अब लास्ट डाउट में चारों के चारों में डाउट है, मतलब उसके ए बी सी डी या सिर्फ सी एंड डी. जैसा आपने मुझे लिखाया था वो टाइम पे सिर्फ आपने सी एंड डी लिखाया था. इफ यू वांट टू सी ऑल फोर आई कैन शो यू ऑल फोर, इफ यू वांट टू सी ओनली सी एंड डी आई कैन शो यू ओनली सी एंड डी. सर ओनली शो सी एंड डी. ओनली सी एंड डी, ओके जस्ट अ मिनट. तो फिर मैं, ये आपका 63 है. लेट मी इंपोर्ट ओनली सी एंड डी. अब सी पार्ट तो मेरा दिखना ही रहेगा. मैंने बी के बाद डायरेक्ट डी देख लिया था, जस्ट अ मिनट. तो मैं पहले डी कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट. नहीं तो दिस इज योर सी, वापस ए क्यों आया? वेट, ओके सी दिस इज योर सीथ पार्ट एंड दिस इज योर डी. तो सी मेरा स्किप हो गया सॉल्व करने टाइम पे, बट नो प्रॉब्लम, वी कैन ट्राई नाउ. एंड उससे पहले डी ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया है, तो डी वाला हम पहले कर देते हैं. ओके चल, सो डी के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स होल टू द पावर एन. पहले तो ये क्वेश्चन में पता नहीं चला कि कहां से कहां जा रहा है क्वेश्चन. तो इफ के बाद यहां पे फुल स्टॉप है, बट फुल स्टॉप से पहले ये पूरा स्टेटमेंट इधर खत्म हो रहा है, दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स होल टू द पावर एन इज इक्वल टू सिग्मा के इक्वल टू 0 टू एन प्लस 4. This is your a k x to the power k, right? ये आपको दिया गया है. Now if a1, a2, a3 are in AP, अब ये तो आपको रट्टा हो गया होगा कि a1, a2, a3 AP में है. That means 2a2 equal to a1 plus a3. Now we need to find value of n. तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. 1 plus x square whole square, इसको हम कर सकते हैं 1 plus 2x square plus x to the power 4.
इनटू वन प्लस एक्स होल टू द पावर एन एज इट इज, जब हम इसको एक्सपांड करेंगे तो वो बोलने की समथिंग आपको इस तरीके का मिलेगा, जो आपको मिलेगा ए नॉट एक्स टू द पावर जीरो प्लस ए वन एक्स टू द पावर वन प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब एंड इस तरीके से ए फोर एक्स टू द पावर फोर चलता जाएगा, एन टर्म आपको मिलेगी ए एन प्लस फोर एक्स टू द पावर एन प्लस फोर. एज पर द क्वेश्चन वी नीड ओनली ओके जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, बस एक कॉल करना है. ओके हाँ, तो मैं ये बता रहा था, ये इसका लास्ट टर्म आपका जाएगा ए एन प्लस फोर एक्स टू द पावर एन प्लस फोर तक, राइट. तो अब हमें उसमें से हमारे लिए काम कौन सा है, हमारे लिए बस काम है ए वन ए टू एंड ए थ्री का, एम आई क्लियर, एक्स टू द पावर वन एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब. अब ये ए वन ए टू ए थ्री तक पहुंचने के लिए सिर्फ हम यहाँ पे x के कोएफिशिएंट, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट एंड x क्यूब के कोएफिशिएंट निकालेंगे. वो कैसे निकाल सकते हैं समझो, अगर 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो दिस इज 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n इंटू 1, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 2x स्क्वायर 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n प्लस x टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस x होल टू द पावर n. एम आई करेक्ट एवरीवन, राइट, इज इक्वल टू. अब इक्वल टू वाला हमें लंबा छोड़ा खींचने की जरूरत नहीं, बस मैं इसी को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ. योर एल एच एस ओनली 1 plus x whole to the power n, आपको पता है, it is 1 plus nc1 x to the power 1, right? Plus nc2 x square, plus nc3 x cube and so on. But हमें x cube तक की जरूरत है, तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा. Is this clear? You can tell me yes. फिर 2x square के साथ पूरा multiply होगा, 2x square into 1 plus nx plus nc2 x square, up to आगे चलता जाएगा, n plus x to the power 4 के साथ सब multiply होगा, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन. डेफिनेटली उसके एंथ टर्म होगी, बट वहां तक हमें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बस थ्री टर्म्स चाहिए और फर्स्ट फोर टर्म्स एक्स टू द पावर जीरो से लेकर एक्स क्यूब तक. अब इन सब का मैं सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, समझना. तो अगर मैं इन सब का सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, तो पहले वाली टर्म है कॉन्स्टेंट टर्म मुझे वन, राइट, पहली सीरीज से मुझे कॉन्स्टेंट टर्म मिल रही है वन, प्लस एक्स वाली टर्म एन एक्स, एक्स स्क्वायर वाली टर्म एन सी टू एक्स स्क्वायर, क्यूब वाली टर्म एन सी थ्री एक्स क्यूब. सेकंड सीरीज में से मुझे टू एक्स स्क्वायर इंटू वन डायरेक्ट एक्स स्क्वायर वाली टर्म मिलेगी, तो मैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म को एक्स स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिख रहा हूँ. फिर टू एक्स स्क्वायर इंटू एन एक्स एंड इंटू टू, जैसे आप टू एन बोल सकते हैं, टू एन एक्स क्यूब. एम आई क्लियर? हाँ या ना? फिर उसके बाद और आगे एक्स टू द पावर फोर वाली टर्म्स मिलेंगी, जो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर फोर, एक्स टू द पावर फोर इंटू वन, वो डायरेक्टली मुझे एक्स टू द पावर फोर वाली टर्म मिलेगी, जो मुझे नहीं चाहिए एज पर माई इक्वेशन. इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस इफ यू अग्री. तो इन सब का जब आप सम कर रहे हो, तो कॉन्स्टेंट टर्म बस आपको मिल रही है वन, एक्स वाली टर्म आपको मिल रही है एन एक्स, एक्स स्क्वायर वाली टर्म आपको मिल रही है एन सी टू प्लस टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब वाली टर्म आपको मिल रही है एन सी थ्री प्लस टू एन एक्स क्यूब एंड सो ऑन. Right. And this series which was given to you was a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube. And आपको बस a1, a2, a3 का ही काम है. तो यहाँ से मुझे a1 मिल जाएगा n, a2 मिल जाएगा nc2 plus 2 and a3 मिल जाएगा nc3 plus 2n. Am I correct? You can tell me yes if you agree. Right. Now our condition 2a2 equal to a1 plus a3. चलो 2a2 क्या हो सकता है? 2 times nc2 plus 2 a1 n plus a3 nc3 plus 2n. Now therefore 2 times nc2 n n minus 1 by 2 factorial, 2 factorial is 2 only, plus 2 n nc3 or 2n plus n aapka ho jayega 3n, pehle wo main likh deta hu, nc3 n n minus 1 n minus 2 divided by 3 factorial, 3 factorial is nothing but 6. ab yahan pe jaldbazi mein jab main first time kar raha tha na, तो थ्री फैक्टोरियल लिखना रह गया, थ्री फैक्टोरियल की जगह मैंने कर दिया थ्री, फिर पूरा सिंप्लीफाई किया, फिर मैंने सोचा कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आ गए, रूट्स ऑप्शन में तो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया नहीं है, फिर मैंने देखा तो सिक्स, मतलब थ्री फैक्टोरियल की जगह मैंने थ्री लिख दिया था. तो ऐसी मिस्टेक्स आपसे भी हो सकती है एवरीवन, सो टेक केयर इन दैट, थ्री फैक्टोरियल नॉट थ्री, या अलर्ट वाला सिंबल. ओके,
तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 2 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, n इंटू एन माइनस वन, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस टू इज इक्वल टू 6 3 जा ये प्लस 4, यस प्लस 4 ऑफिस मिस्टेक राइट, 2 2 जा 4 एंड ये n इंटू एन स्क्वायर माइनस एन, चलो 6 3 जा 18 n प्लस, यहाँ पहले आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो इधर मिलेगा एन स्क्वायर माइनस एन, या एन को लास्ट में मल्टीप्लाई करो, एन माइनस वन एन माइनस टू एन स्क्वायर माइनस थ्री एन प्लस टू, एम आई करेक्ट एवरी वन, इधर 6 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दिस इज 6 एन स्क्वायर माइनस 6 एन प्लस 24 इज इक्वल टू 18 एन प्लस एन क्यूब माइनस 3 एन स्क्वायर प्लस 2 एन, just I'm creating some space. ठीक है चलो, अब ये तो मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल रहा है, तो उधर n क्यूब एज इट इज रखते हैं, फिर माइनस 3 एन स्क्वायर है, ये माइनस 6 एन स्क्वायर होगा, वो माइनस 9 एन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 एन है प्लस 6 एन, 2 प्लस 6 8 एन, am I correct? पर 18 एन भी है, हाँ ये भूल गया, तो 18 हाँ, तो 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 6 26 एन, एन प्लस 24 उधर माइनस 24 इक्वल टू जीरो, यहाँ तक क्लियर, एन क्यूब माइनस 9 एन स्क्वायर प्लस 26 एन माइनस 24 इक्वल टू जीरो। अब सिंस ये क्यूबिक है तो पहला रूट तो आपको ट्रायल एंड एरर से निकालना पड़ेगा, अब ये क्वेश्चन में आपको एन की वैल्यू पूछी गई है, हाँ या ना, आप समझ रहे, ट्रायल एंड एरर के लिए भी डायरेक्टली आप रैंडमली ना ले, अगर नॉर्मल क्वेश्चन था तो हम रैंडमली चेक कर देते 1 माइनस 1 2, अब ऑलरेडी आपको n की वैल्यू पूछी गई है और n की वैल्यू जो आपको आंसर आएगा वो ऑप्शन में होगी ही, तो अगर आप पहले आप ऑप्शंस को कंसीडर करें तो ऑप्शन से आप ट्रायल एंड एरर उठा सकते हैं, जैसे ऑप्शंस में आपको दिए गए हैं 12 4 2 3 5, लेट मी शो यू द ऑप्शंस, तो वहां से आपका मिनिमम नंबर है 2 राइट, तो आप 2 से ट्रायल एंड एरर स्टार्ट कर सकते हैं, लेट मी शो यू दैट, फिर तो जब हमने लिमिट का रिविजन किया था तब टीवी मेथड याद कराई थी राइट, तो ये आपके सारे ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शंस में से मिनिमम नंबर है 2, यू कैन स्टार्ट विद 2 ट्रायल एंड एरर, कि अगर मैं 2 रख रहा हूँ तो 2 क्यूब 8 माइनस 9 2 स्क्वायर 4 26 इंटू 2 32, पॉजिटिव नंबर्स एक साथ रख रहा हूँ माइनस 24, चल ये 40 हो जाएगा, 26 into 2, हाँ यस, देखो ये होता है, खाना जरूरी है टाइम पे, भूख लगती तो यही होता है, माई मिस्टेक, सो 26 into 2 52, 52 plus 8 60, ये 36 and 24 minus 60, 60 minus 60 हो जाएगा आपका 0, क्लियर एवरीवन, तो 2 एक उसका फैक्टर है, जब आपको पता चल गया कि 2 एक उसका फैक्टर है, नाउ यू कैन यूज टीवी मेथड टू फाइंड अदर फैक्टर्स, एन क्यूब एन स्क्वायर एन एन टू द पावर 0, यहाँ पे 1 माइनस 9 26 माइनस 24 0 1 प्लस 0 1 2 1 जा 2 माइनस 7 माइनस 14 12 24 0, सो n माइनस 2 n स्क्वायर माइनस 7 n प्लस 12, फिर 12 कैसे फैक्टर्स के प्लस करके 7 आए, 3 4 जा 12 राइट, देन दोनों को साइन मिलेगी सेम माइनस माइनस n माइनस 3 n माइनस 4, तो n की वैल्यूज पॉसिबल हैं 2 3 4, ओके 2 3 4, तो यहाँ फाइनली आपके एडवांस MT3 पेपर 2 का डिस्कशन खत्म नहीं होता है, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, ये क्लियर एवरीवन, यहाँ तक क्लियर हुआ राइट, चलो अब नेक्स्ट फाइनल वेट, यस अभिराम इज टेलिंग हियर समथिंग कि सर n कैन नॉट बी 2, why Abhiram n cannot be 2, because NC3 is also present in expansion, agree, क्योंकि अगर आप n को 2 ले रहे हो तो 1 plus x whole square ही आएगा, ये वाली टर्म आपकी जीरो हो जाएगी,
वेट इफ एन इज इक्वल टू टू लेट अस चेक. तो ये आपका वन प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर वन प्लस एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा. हाँ या ना? ये तो वन प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर फोर है. ये आपका हो जाएगा वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. वन से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. टू एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो टू एक्स स्क्वायर इंटू वन इट इज टू एक्स स्क्वायर ओनली. टू एक्स स्क्वायर टू टू जब फोर एक्स क्यूब. फिर एक्स टू द पावर फोर हमें नहीं चाहिए. एक्स टू द पावर फोर इंटू वन वो सब हमें नहीं चाहिए. सो वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब. वैसे पॉसिबल हो रहा है राइट. टू थ्री फोर आपके एपी में आ रहे हैं. वन मोर थिंग, तो अभिराम ऑब्जर्वेशन आपका करेक्ट है कि सर एक्सपेंशन में एन सी थ्री पॉसिबल है. एन सी थ्री इज नॉट डिफाइंड फॉर एन इक्वल टू टू. बट ये एन सी थ्री हमने यहीं से लिखा था तो वो वाली टर्म यहाँ पे एग्जैक्टली जीरो ही हो जाएगी. तो जब आप एन इक्वल टू टू रखोगे तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा. आपका क्वेश्चन यहीं तक आ जाएगा तो वो जीरो हो जाएगा. एम आई करेक्ट? सो टू माइनस टू जीरो, ये वाली टर्म नहीं आएगी. सो अभिराम योर क्वेश्चन एंड आर्ग्यूमेंट इज करेक्ट बट आई थिंक यहाँ पे वो पॉसिबल इसलिए हो रहा था क्योंकि ये टर्म आपकी बिल्कुल जीरो हो जा रही है राइट. ओके चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज एन सी थ्री प्लस टू एन. हाँ विश, तो वो जीरो हो रहा है तो टू एन तो रह रहा है. चलो अब ये सी कैसे कर सकते हैं चेक. इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स होल टू द पावर एम इंटू वन माइनस एक्स होल टू द पावर एम द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर आर थ्री एंड माइनस सिक्स रिस्पेक्टिवली देन एम इक्वल टू. तो वन प्लस एक्स होल टू द पावर एम का एक्सपांशन वन प्लस एम एक्स प्लस एम सी टू एक्स स्क्वायर फिर एम सी थ्री एक्स क्यूब यही मिलेगा हमें. हाँ या ना? मतलब चलता जाएगा, ज्यादा आगे नहीं जा रहे क्योंकि हमें एक्स एंड एक्स स्क्वायर पर अटक जाना है. इधर हमें क्या मिलेगा? वन माइनस एन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर माइनस एन सी थ्री एक्स क्यूब. तो ये माइनस प्लस चलता जाएगा. एम आई करेक्ट? जब मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ये वन से पूरा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इधर मुझे मिलेगा, मैं बस एक्स स्क्वायर तक अटक जाऊंगा. पहले जब वन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वन माइनस एन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर. फिर क्यूब वाली टर्म मुझे नहीं चाहिए. एम एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एम एक्स इंटू वन इधर आ जाएगा प्लस एम एक्स. फिर एम एक्स इंटू एन एक्स तो वो हो जाएगा प्लस प्लस माइनस माइनस सॉरी माइनस एम एन एक्स स्क्वायर. एम आई राइट? फिर एम एक्स आपका इधर मल्टीप्लाई होगा जो एक्स क्यूब हो जाएगा जो मुझे नहीं चाहिए. एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. क्योंकि हमें बस एक्स एंड एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए. तो क्या ये हो जाएगा वन प्लस एम माइनस एन एक्स प्लस एन सी टू माइनस एम एन एक्स स्क्वायर. यू कैन टेल मी यस. तो एक्स का कोएफिशिएंट आपको दिया गया है थ्री. सो एम माइनस एन शुड बी इक्वल टू थ्री. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस सिक्स. एन सी टू माइनस एम एन इक्वल टू माइनस सिक्स. ओके वेट आई मिस्ड वन. हा एग्री एग्री ओवेश एग्री एग्री एग्री. जल्दबाजी कर ली.
उन्होंने पहले ये देखा कि एक्स स्क्वायर तक वाली टर्म आपको कहाँ कहाँ तक मिलेगी, तो हमने वन से मल्टीप्लीकेशन वाला देख लिया, वन से वन पे मल्टीप्लाई करके यहाँ तक, फिर एक्स क्यूब मिल रहा है, यहाँ पे मिला, फिर एक्स क्यूब मिल रहा है, फिर यहाँ पे ये एम सी टू एक्स स्क्वायर इंटू वन, ये भी तो हमें मिलेगा, प्लस एम सी टू इंटू एक्स स्क्वायर, तो इधर भी गलती कर दी है, राइट, एम सी टू इंटू एक्स स्क्वायर, फिर ये तो नहीं हो पाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा एंड लाइक दैट, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, तो ये बस एक ऐड हो जाएगा। प्लस एम सी टू इक्वल टू माइनस सिक्स, यहाँ तक क्लियर, इसमें कोई डाउट है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सो एम माइनस एन इक्वल टू थ्री, अब इधर एम सी टू एम एम माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल प्लस एन एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल मतलब टू ही हो जाएगा, माइनस एम एन इक्वल टू माइनस सिक्स, बट ये बहुत लंबा जाएगा, ये तो सिंप्लीफिकेशन, देखते हैं यह कितना लंबा जाएगा, क्योंकि दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन है, वेट, एम इक्वल टू एन, ओके एम इक्वल टू एन प्लस थ्री, वही करना पड़ेगा ताकि एक वेरिएबल में पूरा क्वाड्रेटिक हो जाए, बट so therefore m square minus m plus n square minus n whole divide by 2 या फिर बेटर है कि पहले सब्स्टिट्यूट कर दे, राइट, वो आसान हो जाएगा ना, कि m तो है ही, क्योंकि m माइनस वन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख देते हैं, m इंटू एम माइनस वन प्लस n इंटू एन माइनस वन माइनस टू एम एन इक्वल टू माइनस ट्वेल्व। चलो मैं m को क्या लिख सकता हूँ, m को n प्लस थ्री लिख सकता हूँ यहाँ से, m इक्वल टू n प्लस थ्री, सो देयरफॉर n प्लस थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन टू, n प्लस टू, n इंटू n माइनस वन एज इट इज माइनस टू टाइम्स n एज इट इज, m को मैं लिख दूंगा n प्लस थ्री, तो यहाँ पे n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, फिर मुझे वहां से n की दो वैल्यू मिल सकती है, वहां से m की दो वैल्यू मिल सकती है, सो दिस इज n स्क्वायर प्लस थ्री प्लस टू फाइव एन प्लस थ्री टू जा सिक्स प्लस एन स्क्वायर माइनस एन माइनस टू एन स्क्वायर, वाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मिल रहा है, कैंसिल हो रहा है, माइनस थ्री टू जा सिक्स एन प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, तो टू एन स्क्वायर माइनस टू एन स्क्वायर कैंसल, प्लस फाइव माइनस सिक्स माइनस वन माइनस टू एन, उधर चला जाएगा टू एन, टू एन इक्वल टू एटीन, एन इक्वल टू नाइन, तो एम इक्वल टू ट्वेल्व, ओके, हाँ, तो अब हम बोल सकते हैं कि अभी हमारा खत्म हो रहा है एडवांस एम टी थ्री पेपर टू, क्लियर एवरी वन, यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, तो यहाँ पे हमारा आ रहा है एम इक्वल टू ट्वेल्व, ये वाला ऑप्शन, राइट, फाइनली। तो इसके बाद अब हमें डाउट भेजे थे प्रांजल ने, राइट, सर्कल्स के एडवांस असाइनमेंट के, अब मैं एडवांस असाइनमेंट के लिए यही ढूंढ रहा था, एडवांस असाइनमेंट हम चैप्टर के अंदर ही करते थे ना, जैसे ये वाला हमारा एडवांस असाइनमेंट हुआ था M2 का, M6, एडवांस असाइनमेंट,
ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन एडवांस असाइनमेंट का जिसमें डाउट है वो है आपका क्वेश्चन नंबर वन ओनली. Now, can you see this, everyone? Question number one of advanced assignment of circles, right? So, now, if the equation of any two diagonals of a regular pentagon belongs to a family of lines 1 plus 2 lambda y minus 2 plus lambda x, प्लस वन माइनस लैम्बडा इक्वल टू जीरो. एक पेंटागन है, पेंटागन के कोई भी दो डायगोनल इनिशियली आपको ऐसा बोला गया है कि वो दो डायगोनल डेफिनेटली एक लाइन होगी, तो उसके पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन का आपको इक्वेशन दिया गया है एंड देयर लेंथ्स आर साइन 36 डिग्री. उन दोनों डायगोनल की आपको लेंथ दी गई है, डायरेक्टली नहीं दी गई, इन टर्म्स ऑफ साइन 36 के फॉर्म में दिया गया है. देन लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द गिवन पेंटागन, वो पेंटागन को सर्कमस्क्राइब करता हुआ सर्कल, उसके सेंटर का आपको लोकस फाइंड करना है. एक कंडीशन यहाँ पे आपको दी गई है, द ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय दिस डायगोनल्स विद साइड्स ऑफ पेंटागन हैव नो साइड्स कॉमन. चलो एक एक करके आगे बढ़ते हैं. तो पहले हमें यहाँ पे एक पेंटागन कंस्ट्रक्ट करना होगा एंड दैट पेंटागन इज रेगुलर. रेगुलर मीन्स इक्वी एंगुलर एंड इक्वी लेटरल. एम आई करेक्ट? राइट. रेगुलर पेंटागन का मतलब है कि वो आपके सारे साइड्स भी उसमें सेम एंड सारे एंगल्स भी सेम. एम आई करेक्ट? नाउ इफ आई हैव टू कंस्ट्रक्ट पेंटागन हियर, नहीं इसका एंगल बढ़ाना पड़ेगा ना, मुझे लगा हो जाएगा वैसे, बट सेपरेटली ड्रॉ कर लेते हैं जस्ट अ मिनट. Just a minute. Something ये पेंटागन की दो साइड हमें मिलेंगी. Am I correct? Right. और तीन sides.
सिंस उसको सर्कमस्क्राइब करता सर्कल आपको बोला गया तो वो पहले ही ड्रॉ कर दिया. ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीवन? आई होप यू कैन सी दिस पेंटागन. सपोज दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल, इज आप सेंटर ऑफ पेंटागन भी बोल सकते हैं. अब आपको ऐसा बोला गया कि दो डायगोनल दिए गए हैं, दो डायगोनल के लिए कंडीशन क्या है? योर कंडीशन इज द ट्राइंगल्स फॉर्म बाई दिस डायगोनल्स विथ साइड्स ऑफ पेंटागन. ट्राइंगल्स फॉर्म बाई दिस डायगोनल्स विथ साइड्स ऑफ पेंटागन हैव नो कॉमन साइड. ये दोनों ट्राइंगल में कोई भी साइड आपकी कॉमन नहीं है. तो कोई भी दो डायगोनल, मतलब आपको पता है कि पेंटागन में बहुत सारे डायगोनल पॉसिबल हैं. हर एक वर्टेक्स से मैं बहुत सारे डायगोनल बना सकता हूँ. समझो, यहाँ से मैं एक डायगोनल बना सकता हूँ ऐसे, मतलब हर एक वर्टेक्स से दो डायगोनल बना सकता हूँ बेसिकली. अब अगर मैं इसी वर्टेक्स वाले दो डायगोनल कंसीडर कर रहा हूँ, अब एज पर द कंडीशन दैट द ट्राइंगल्स फॉर्म बाय दिस डायगोनल विद साइड्स ऑफ पेंटागन. चलो ये डायगोनल के साथ, हर एक डायगोनल के साथ साइड्स ऑफ पेंटागन के साथ जो आपका ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है. Can you see this triangle one? यहाँ पे दूसरा triangle बन रहा है. Can you see this triangle two? So triangle one and triangle two have no sides common. यहाँ पे कोई sides common नहीं है. But as for example, यहीं पे instead of this another diagonal, if I would have taken any other diagonal, let us check. Oh, main side delete हो गई. वो नहीं होना चाहिए. Suppose ये है आपका एक डायगोनल. इफ आई एम ड्रॉइंग अनदर डायगोनल लाइक दिस, ये भी दो डायगोनल पॉसिबल है. हाँ या ना एवरीवन? अब यहाँ पे आपके दो ट्राइंगल कौन से आ रहे हैं? दिस इज वन सच ट्राइंगल, दिस इज अनदर सच ट्राइंगल. एम आई क्लियर? अब इन दोनों में तो साइड कॉमन हो गई. इज दिस क्लियर? सो एज पर द गिवन कंडीशन आपके दोनों डायगोनल आपको ऐसे लेने हैं कि जिसके साथ आप पेंटागन के साइड्स को इन्वॉल्व करके जो ट्रायंगल बना रहे हो, उन दोनों ट्रायंगल में कोई भी साइड्स कॉमन ना हो. सो जो हमने पहला केस लिया था वैसा पॉसिबल है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? वो वाले दो डायगोनल पॉसिबल हैं. ओके ग्रेट. तो ये फर्स्ट केस हमारा पॉसिबल है. यहाँ पे ये हो जाएगा आपका. आप इसे कुछ नाम भी दे सकते हो पेंटागन को जब जरूरत पड़ेगी तब. अब इन दोनों के आपको इक्वेशन दिए गए हैं. ये पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें दिया गया है इन दोनों का. दोज इक्वेशंस आर 1 + 2λy - 2 + λx + 1 - λ = 0. आपको पता है कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो तो वहां से कोई भी लाइन आपको फाइंड करना है तो उसका इक्वेशन हम फाइंड कर चुके थे, L1 + λ L2 = 0. एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस. क्या ये उसी टाइप का इक्वेशन है? समझो, इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूं. तो अगर मैं जब इसको y के टर्म में मतलब पूरा मल्टीप्लाई कर रहा हूं, समझना, ये हो जाएगा y + 2λy, फिर इधर -2x - xλ + 1 - λ = 0. लेमड़ा वाले टर्म्स में से लेमड़ा कॉमन निकाल देता हूं, तो ये हो जाएगा y - 2x + 1 + λ 2y - x - 1 = 0. So can I say this is same approach L1 + λ L2 = 0, जहाँ पे ये L1 हो जाएगा and ये L2 हो जाएगा. You can tell me yes if you agree. Right? Just मुझे charger plug in करना पड़ेगा. चलो अब इन दोनों लाइन से क्या मुझे कुछ मिल सकता है? क्या मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल सकता है इन दोनों लाइन का? अगर मैं इन दोनों पेंटागन की बात करूं, सपोज ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A. मैं क्यों फाइंड कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे ये सेंटर ऑफ सर्कल का लोकस फाइंड करना है. तो सर्कमफेरेंस के ऊपर का एक पॉइंट मिल जाएगा तो मुझे पता है उन दोनों को कनेक्ट करके मुझे रेडियस मिल जाएगी. आया ना? राइट. सो हियर ए विल बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2. तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम फाइंड करते हैं. ये है y - 2x + 1 = 0. सर बट नॉट नेसेसरी दैट L1 एंड L2 आर डायगोनल्स. इट मीन्स दैट दे लाई ऑन देयर इंटरसेक्शन आर नॉट एग्जैक्ट डायगोनल्स. वेट,
they lie on their intersection are not exact diagonals. नहीं, वो इसकी कंडीशन से हो रहा है ना, समझो जो आपको ये बोला गया है कि जो ट्रायंगल बन रहे हैं इन दोनों डायगोनल से, उन ट्रायंगल में कोई भी साइड कॉमन नहीं होनी चाहिए, तो वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों डायगोनल आपके एक ही वर्टेक्स से निकले, हाँ या ना? वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों डायगोनल, क्योंकि एक वर्टेक्स से एक डायगोनल निकल रहा है, दूसरा डायगोनल में कोई भी एक वर्टेक्स से लूंगा तो वो उसको इंटरसेक्ट करने वाला है, एंड द मोमेंट वो उसको इंटरसेक्ट करने वाला है तो उसके साथ जो ट्रायंगल बनेगा जो साइड्स का, तो वहां पे वो एक साइड तो कॉमन आने ही वाली है. कि अगर पर सोचो, अगर मैं इसके साथ मान लो एक डायगोनल ये ले रहा हूँ, ओके, वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो ये भी पॉसिबल है, राइट? बट यहाँ पे वापस केस क्या हो गया, वो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये पॉइंट मिलेगा, राइट? तो इज दिस क्लियर? तो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन हमें पॉइंट ऑफ मतलब एक सर्कमफेरेंस का एक पॉइंट या एक वर्टेक्स हमें मिलेगा, वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं. मेथड ऑफ एलिमिनेशन आपके पास है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जो मेथड आप फॉलो करना चाहें. तो y माइनस 2x प्लस 1 एक ऑलरेडी आपके पास है, यहाँ पे माइनस x है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 टू जा 4y माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 प्लस माइनस प्लस, चलो ये कैंसल, माइनस 4y प्लस y और 1 माइनस 4 माइनस 3y, 1 प्लस 2 3 इक्वल टू 0, सो 3y इक्वल टू 3, y equal to 1. If I'm putting y equal to 1 in any of the equation, I can find x. So 1 minus 2x plus 1 equal to 0. So 2x ho jayega aapka 2, x ho jayega 1. Am I clear? Right? So x1, y1, point of intersection mujhe mil gaya 1, 1. अब दूसरी चीज का इस्तेमाल करते हैं कि आपको ये बोला गया है लेंथ ऑफ द डायगोनल्स आर साइन 36 डिग्री, एम आई राइट? मतलब ये सर, हाँ यस प्रांजल, अगर ऑप्शन में देखोगे तो उनका आंसर में सेंटर 1,1 आ रहा है, आपका इंटरसेक्शन का पॉइंट 1,1 है, ऑप्शंस के हिसाब से हर उसमें सेंटर 1,1 आ रहा है, ऑप्शन के हिसाब से सेंटर 1, एग्री. तो कुछ और यहाँ पे आपका इसका इंटरसेक्शन का पॉइंट 1,1 है. नहीं, 1,1 तो यही होना, हाँ, बट वो और समझो, अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि यहाँ पे जो इक्वेशन हम फाइंड कर रहे हैं वो ये सर्कल का इक्वेशन फाइंड नहीं कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं ये पॉइंट का लोकस, एम आई करेक्ट? हम इसका लोकस फाइंड कर रहे हैं, क्यों समझो, क्योंकि जो हमें ये पेयर ऑफ लाइन्स के इक्वेशन दिए गए हैं 1 प्लस 2 लैम्ब्डा, आप इसको थोड़ा और ग्लोबली समझते हैं, थोड़ा और एक्सपैंड करके समझते हैं, जस्ट अ मिनट, आई एम नॉट एबल टू कॉपी, यस कंट्रोल सी. यहाँ पे अगर मैं इसको फिगर को सेंटर में रख रहा हूँ, इन दोनों लाइंस का, इन दोनों डायगोनल का जो हमें इक्वेशन दिया गया है, दैट इज 1 प्लस 2 लैम्ब्डा वाई माइनस 2 प्लस लैम्ब्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्ब्डा इक्वल टू 0. अब वहां पे जैसे मैं लैम्ब्डा पैरामीटर चेंज करूंगा, द मोमेंट आई विल चेंज द लैम्ब्डा पैरामीटर, ये दोनों इक्वेशन चेंज हो जाएंगे, ये दोनों इक्वेशन चेंज हो जाएंगे, मतलब ये दोनों लाइन चेंज हो जाएंगी, एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस, राइट? अब ये दोनों लाइन चेंज हो जाएंगी, yes, पहले ये लाइन इधर थी, फिर वो लाइन कहीं और होती जाएंगी, उसके लिए अगर मैं सपोज एक दूसरा फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो उसी को रोटेट कर दो. हाँ, राइट, अगर मैं इसको सपोज राइट 45 डिग्री पर रोटेट कर रहा हूँ, समथिंग लाइक ऐसा हो सकता है, कोई दूसरे लैम्ब्डा के लिए ऐसी फिगर हो सकती है, हाँ या ना? ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया देखने में, या फिर हम एक काम करते हैं, ये ठीक रहेगा शायद 90 डिग्री, राइट? दूसरे लैम्ब्डा के लिए मुझे ये मिल जाएगा, तो वो टाइम पे जो सेंटर होगा वो सेंटर ये चेंज हो जाएगा, एम आई राइट? तो लैम्ब्डा की अलग 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 वैल्यू के लिए, बस चीज ये रहेगी कि लैम्ब्डा के अलग अलग वैल्यू के लिए इन दोनों डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1,1 फिक्स रहेगा, 1,1 फिक्स रहेगा, और आपका ये पेंटागन रोटेट होता रहेगा, पेंटागन रोटेट होता रहेगा, तो उसके हिसाब से उसका सेंटर रोटेट होता रहेगा, तो जब आप सेंटर का लोकस फाइंड कर रहे हो तो ये सर्कल का इक्वेशन बन रहा है यहाँ पे. ओके सर, ओके, इज दिस क्लियर नाउ?
गुड क्वेश्चन प्रांजल. इवन मैं भी पहले इसी में कंफ्यूज हो गया था कि ये सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है, बट दिस इज अ थिंग. यस, ओवेसी इज टेलिंग वी कुड इजीली हैव फाउंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय पुटिंग लैम्डा इक्वल टू माइनस हाफ एंड देन माइनस टू टू फाइंड एक्स एंड वाई इजीली एज ऑल लाइंस ऑफ फैमिली पास थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हाफ. यस ओवेसी इज गुड, क्योंकि वही हो गया एलिमिनेशन के लिए, राइट, माइनस हाफ एंड माइनस टू. चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं. सो दैट इज वन ऑब्जर्वेशन बाय ओवेसी कि आप यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू माइनस हाफ एंड माइनस टू रख के डायरेक्टली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि लैम्डा की हर एक वैल्यू के लिए वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तो पास करना ही है. तो एक केस में वो आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन मिल जाएगी, राइट, जहाँ पे एक्स एंड वाई मिल जाएगा, क्योंकि माइनस हाफ रखने से ये माइनस वाई हो जाएगा, तो वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, जो हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन में करते हैं. ओके, तो एक्स इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू वन, क्लियर. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हमें यूज करना है इसका साइन 36. योर लेंथ ऑफ डायगोनल इज साइन 36. सो अगर मैं इसे ए बी सी डी ई नाम दे रहा हूँ, so can I say this AC is sine 36 which is given to us here, am I right? चलो मुझे ये point का locus find करना है. जिसका locus find करना है उसके लिए पहला step है हम उसे h comma k लिखेंगे, फिर उसके साथ हमें कोई condition मिलनी चाहिए. वो condition हम कैसे find कर सकते हैं? तो एक 1,1 है point, वो circumference का point है. तो अगर h comma k को 1,1 से मैं connect कर रहा हूँ तो क्या वो मेरी radius हो सकती है? You can tell me yes if you agree. हाँ या ना everyone? अब ये रेडियस है, ये साइन 36 है, क्या ये रेडियस है एंड इसके बीच में मैं कुछ रिलेशन फाइंड कर सकता हूं? ये सर्कल का कॉर्ड हो जाएगा. अगर सर्कल के सेंटर से उसके कॉर्ड पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं तो उसके कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, एम आई राइट? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. तो वो साइन 36 बाई 2 हो जाएगा, बट ये आर अभी भी हमें फाइंड करना है. नाउ यू वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, राइट, क्योंकि हमें ये दिया गया है कि आपका पॉलीगॉन या फिर पेंटागॉन रेगुलर है. रेगुलर है तो सारी साइड सेम है, सारी साइड सेम है एज वेल एज सारे एंगल सेम है. ओके, सारे एंगल सेम है तो यहाँ सेंटर से अगर मैं सारे वर्टाइसिस को कनेक्ट कर रहा हूँ, जैसे ये इन दोनों वर्टेक्स को कनेक्ट किया, इन दोनों वर्टेक्स को कनेक्ट किया, इधर इधर, तो ये सारे एंगल्स भी सेम होंगे. 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 360 डिग्री के 5 इक्वल पार्ट्स होंगे हर एक साइड, राइट, हर एक साइड ऑफ पेंटागॉन. ईच साइड ऑफ पेंटागॉन विल वी कैन ट्रीट एज कॉर्ड ऑफ सर्कल एंड हर एक कॉर्ड सेम एंगल बनाएगी सेंटर पे, राइट, क्योंकि अगर कॉर्ड की लेंथ सेम है तो वो इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इक्वल एंगल्स एट सेंटर ऑफ सर्कल, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पे हर एक एंगल क्या हो जाएगा? सो ईच सेंट्रल एंगल by chord at center will be equal to 360 degree divided by 5. Am I correct? So, वो 36 into 2, 72 degree. ये पूरा 72 degree हो जाएगा, right? तो ये एक पूरा 72 हो जाएगा. But ये figure को मैं वापस इधर use करते हैं. ठीक है, समझने के लिए important है. ओके, तो अभी तक हमें ये पता चला है कि अगर मैं इसे ओ नाम दे रहा हूं, इधर हो रहा है ओ ए विच इज नथिंग बट रेडियस, राइट, ये ओ ए हो जाएगा रेडियस. फिर 72 डिग्री अगर मैं यहां से इस दूसरे साइड को कनेक्ट कर रहा हूँ, सपोज वो बी है, तो ये हो रहा है 72 डिग्री. ओके, मुझे साइन 36 का यूटिलाइजेशन करने के लिए इस पे ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर. अब मुझे ये देखना है कि परपेंडिकुलर यही लाइन होगी या कोई और लाइन होगी, दैट वी नीड टू चेक. इतनी लेंथ, अब ये परपेंडिकुलर वाला,
चलो ये हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, ये परपेंडिकुलर क्वाड रेडियस पेंटागॉन, पेंटागॉन का वर्टेक्स कि बहुत सारे एंगल्स मिक्स होंगे यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। ईच एंगल इन पेंटागॉन इज 108। हाँ बट वो 108 को अगर मैं सेंटर के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, क्या वो उसको बाइसेक्ट करेगा? ये दोनों एंगल तो सेम आने चाहिए बिकॉज दिस इज रेडियस। अगर बाइसेक वाला मैं ऑप्शन ले रहा हूं तो ये 54 54 72 तो 180 होगा। अब हमें 90 वाला सोचना है। 90 वाला सोचने के लिए फिर ये पोर्शन क्या हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा, बट अगेन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एंगल बाय कॉर्ड एट सर्कल, यस। ओह ग्रेट, एग्री, वाओ, गुड ओवेश, गुड ऑब्जर्वेशन। ये जो आपका बीसी है राइट, वो बीसी आपके इधर तो 72 ही बनाएगा, तो इधर वो 72 बना रहा है तो वो ए पे 36 बनाएगा। वेरी गुड राइट। ये 54 आपका हो रहा है होल एंगल, इतना यहाँ तक राइट। तो ये वाला एंगल आपका हो रहा है एग्जैक्टली 36। ये 36 है, ये 54 है, ये वाला 18 है, तो दोनों तरफ से आप देख सकते हो, तो ये 90 होगा, ये 90 होगा। ओके ग्रेट, मतलब 90 वाली लाइन यही होगी। सो गुड ऑब्जर्वेशन ओवेश। तो देखो कहाँ से कहाँ आ गया। हाँ अच्छा, तो सो तो 90 एंड 90 यहाँ से। और आप दूसरे तरीके से अगर आप देखो तो ये एक अच्छा हमारे पास एक प्रूफ हो गया। जब हम पेंटागॉन ड्रॉ करते हैं राइट, तो हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं जनरली रेगुलर पेंटागॉन। ओके, अब उसमें अगर मैं एक ये डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूँ तो जनरली वो बेस से पैरेलल रहता है राइट। एंड उसमें अगर आप ये सेंटर से इसको कनेक्ट कर रहे हो तो वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, बट वो एक नॉर्मल मेथड हो गई, वेरी जनरल। एज नाउ वी आर जे स्टूडेंट्स, वी शुड गो फॉर दिस। तो ये हमें पता है, तो नेक्स्ट टाइम से हम यूज कर सकते हैं। ओके सो अब ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पे वापस आ जाते हैं, इसी फिगर का वापस यूज करते हैं। नाउ वी आर नोइंग द 90 डिग्री एंगल, नाउ वी आर नोइंग द 72 डिग्री एंगल। अब उसकी मदद से रेडियस फाइंड करते हैं, ताकि रेडियस फाइंड करेंगे तो लोकस के लिए हम कुछ कर सकते हैं। सो नाउ वी आर हैविंग दिस रेडियस, नाउ वी आर हैविंग दिस एंगल 90 डिग्री, दिस एंगल 7 क्योंकि यही इससे कनेक्ट करके हो रहा है, एंड दिस एंगल 72 डिग्री। एम आई करेक्ट? 72 ही था ना कि 36, right? 72. Next. And ये है आपका साइन 36 by 2, क्योंकि सेंटर से आप कॉर्ड को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो वो उसको बाइसेक करेगा, साइन 36 by 2, right? और I can say L by 2. So, R cos 72, R sin 72, I can say that R, आपका फिजिक्स का कंसेप्ट, R sin 72 is equal to sin 36 degree whole divide by 2, am I correct? You can tell me yes if you agree. So capital R आपका क्या हो जाएगा? Sin 36 divide by 2 times sin 72, which is equal to sin 36 by 2. Now sin 72, उसे मैं 2 times sin 36 cos 36 लिख सकता हूँ. So ये मुझे मिलेगा 1 by 4 cos 36. Okay. अब आपको जो लोकस दिया गया है उसमें साइन 72 एंड कॉस 72 का यूज किया गया है।
तो cos 36 को मैं sin 72 या cos 72 में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकता, वी कैन गो फॉर वैल्यूज. अब हमें यहाँ पे वैल्यू की जरूरत पड़ेगी. सो डू यू रिमेंबर दिस वैल्यू टेबल्स, आपको ये वैल्यू याद है sin 18 cos 36 72 और वो सारी वैल्यूज? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. ये दोनों सेम होगी ना, sin 18 एंड cos 72 इज सेम, एम आई राइट? हाँ या ना सर? डबल एंगल 36 इंटू 2 72. हाँ एग्री, 36 इंटू 2 72, बट इससे कैसे कन्वर्ट करेंगे डायरेक्टली? cos 36 क्योंकि ये आपका cos 2 थीटा, आप ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट कर सकते हो 2 cos square थीटा माइनस 1 वो यूज कर रहे हो, तो अब यहां से जा रहे हो तो cos square चाहिए. आई थिंक वैल्यू से हो जाएगा यहाँ पे. क्या आपको वैल्यू याद है? तो एक बार आप वैल्यू से ट्राई करना. सिंस इट इज 315 आज यहीं तक रखते हैं, यहाँ से आप वैल्यू रख के देखो राइट. फिर लोकस के लिए तो काम आसान है, ये आपका एच कॉमा के, कंडीशन क्या हो जाएगी? एच कॉमा के से 1.1 का डिस्टेंस आर हो जाएगा राइट. सॉरी, तो इधर योर कंडीशन विल बी डिस्टेंस दैट इज स्क्वायर रूट एच माइनस वन होल स्क्वायर प्लस के माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. आर अब ये आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियस को, डायरेक्टली रख सकते हो बट आप ऑप्शन देखो तो ऐसा कुछ नहीं है जिसमें 1/ आपको cos 36 दिया गया हो. ओके, फिर एच के को एक्स वाई से रिप्लेस. तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं राइट, सिंस इट इज 315. सो आफ्टर 15 मिनट्स सी यू इन द मेन्स क्लास. तब तक के लिए आप वैल्यू रख के देखो राइट, एंड मुझे मेंस क्लास में बताओ कि हो रहा है या नहीं. हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो वी विल सी अनदर थिंग राइट. सो बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड संडे रखेंगे क्लास. हाँ, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर दिस वंडरफुल सेशन. संडे एक एडवांस क्लास रखेंगे जो मंडे वाला हुआ था, उसका टाइमिंग डिस्कस करेंगे कल की क्लास में राइट. सो सी यू इन 15 मिनट्स सर. थैंक यू. हाँ यस यस फ्रेंड्स, मेरे को आर कॉस 72 आ गया. कैसे? वैल्यू रख के कि फिर? नहीं सर. हाँ यस, देन अगर फिगर में देखेंगे तो साइन 72 इक्वल्स टू साइन 36 बाय 2 आर. एग्री, जस्ट अ मिनट. मतलब साइन थीटा आप अप्लाई कर रहे हो राइट? हाँ सर. साइन 72 साइन 72 इक्वल टू साइन 36 बाय 2 आर. एग्री, तो वो sin 72 को अपन cos 18 लिख सकते हैं. ओके, sin 72 को लिख सकते हैं cos 18. तो r equals to sin 36 by 2 cos 18 हो जाएगा. अब sin 36 को अगर मैं लिख रहा हूँ 2 sin 18 cos 18 राइट, तो cos 18 एंड डिवाइड बाय 2 r है, तो r equal to sin 18 एंड sin 18 equal to cos 72. यस, गुड प्रांजल. सो राइट, साइन 18 इक्वल टू कॉस 72, तो वही है, यही रेशियो इधर है. ओके, सो गुड, सो वेरी गुड प्रांजल, गुड ऑब्जर्वेशन. तो अभी इतना ही रखते हैं, चलो 13 मिनट में मिलता हूँ राइट क्विकली. सो बाय एवरीवन.